आप सभी को पता है कि जब नमन मिश्रा आता है तो कुछ इंटरेस्टिंग खबर लेकर आता है। खबर तो खबर है, खबर के अंदर की खबर लेकर आता है। इस बार भी मैं कुछ ऐसा लेकर आया हूं जिसकी वजह से आप लोगों की थोड़ी आंखें और खुल जाएंगी और ये जो राजनीति के भीतर जो राजनीति होती रहती है उससे भी पर्दा हटेगा। आपको पता है कि बेगूसराय और मधेपुरा दो सीट है जिस पर जमकर बवाल हो रहा है, जहां एक तरफ पप्पू यादव अपनी राजनीतिक जमीन की खिसकने की वजह से कहीं ना कहीं चिंतित हैं। उन्हें लग रहा है कि महागठबंधन अगर चुनाव उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारता है जो कि शरद यादव होंगे तो उनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि महागठबंधन के पास जातिगत समीकरण है। वो इस बार जितने गठक दलों को लेकर चल रहे हैं इस हिसाब से उनकी जीत की चांसेस ज्यादा है। वहीं अगर बात की जाए तो एक और सीट है बेगूसराय। आपको पता ही है बेगूसराय सीट पर हर आधे घंटे में समीकरण बदल जा रहा है, जहां इस सीट पर पहले से भोला सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता थे, पुराने सीपीआई के नेता थे, मगर उनकी जो पहुंच थी उस क्षेत्र में सीपीआई में खासतौर पे, इसकी वजह से वहां से बीजेपी ने उन्हें फील्ड कर दिया। हालांकि आपको पता चले कि उस सीट से 2014 में बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे गिरिराज सिंह, मगर गिरिराज सिंह को पार्टी ने टिकट वहां से ना देकर नवादा से दिया था। हालांकि गिरिराज सिंह वहां से क्यों चुनाव लड़ना चाहते थे यह भी हम आपको बताएंगे, मगर फिलहाल हम बता देते हैं आपको कि यहां अभी समीकरण क्या है। पिछले साल भोला सिंह का इंतकाल हो गया था, उसके बाद से यह सीट खाली हो गई थी और इस सीट पर दावेदार कई पैदा हो गए थे। कालांतर में इस सीट पर बेगूसराय से कहा जा सकता है कि एक तरह से कन्हैया कुमार अपनी दावेदारी ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि बेगूसराय से आते हैं और जितना इनको पिछले कुछ दिनों में मिला है, खासतौर पर कह सकता है जो पोस्टर बॉय बन गए थे एंटी मोदी प्रोटेस्ट्स के, इस वजह से इनको एक चेहरा मिल गया और इस चेहरे को सीपीआई भुनाना चाहती है। इस बात को कुछ दिनों पहले लालू यादव ने भी भुनाया था। लालू यादव ने सभा में भरी यह कह दिया था कि तेजस्वी यादव और कन्हैया आने वाले समय के नेता हैं बिहार के और इन दोनों को चुनाव लड़ाएंगे, आशीर्वाद भी दे दिया था। मगर आज सीपीआई के सत्यनारायण सिंह ने एक बात स्पष्ट कर दी कि या लालू यादव ने कन्हैया कुमार को धोखा दे दिया। अब धोखा लालू यादव ने दिया या तेजस्वी यादव ने दे दिया ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा, मगर फिलहाल बेगूसराय का जो फैक्ट चेक है वो ये है कि बेगूसराय से एक तरफ गिरिराज सिंह को बीजेपी ने टिकट दे दिया है, गिरिराज सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, यह पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। उन्होंने मीडिया से बात करने के दौरान भी ये बातें कह दी हैं कि मुझे ना तो ट्रस्ट में रखा गया ना मुझे बताया गया, अनाउंसमेंट के दिन मुझे पता चलता है कि मेरी सीट काट कर नवादा से उस जगह पर दे दिया जा रहा है एलजेपी को और मुझे भेज दिया जा रहा है रातों रात बेगूसराय में। अब तक गिरिराज सिंह लोगों को पाकिस्तान का टिकट कटवाते थे, वीजा देते थे, अब भाजपा ने ही उनको वीजा दे दिया है नवादा से उठाकर बेगूसराय का। अब गिरिराज सिंह भी रिजल्ट आदमी है, पॉलिटिक्स भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिन बयानों का तात्पर्य निकालने जाइएगा तो सांप्रदायिक हिंसा हो जाए, मगर खैर ये उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, पार्टी ने उनको उन्हीं की दवाई खिला दी है। अब गिरिराज सिंह काटो तो खून नहीं, आगे कुआं पीछे खाई, फंस चुके हैं ऐसी जगह जहां से ना तो उनको चुनाव लड़ते बन रहा है ना पीछे हटते बन रहा है। मगर इसमें बहुत बड़ा पेंच है, पेंच क्या है ये समझ लीजिए। आरजेडी ने यहां से उतारा है तनवीर हसन को। तनवीर हसन इस बार पिछली बार बहुत कम वोट से हारे थे यहां से, ऐसे में इस सीट पर मुसलमान कैंडिडेट के जीतने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि भोला सिंह सीपीआई के थे और भोला सिंह सीपीआई से भाजपा में गए थे इसलिए उनको सीपीआई का वोट कन्वर्ट हो जाता है, इसका भी फायदा उन्हें मिला। अब गिरिराज सिंह की बात की जाए, गिरिराज सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि कन्हैया कुमार से डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे इसीलिए गिरिराज सिंह यहां से नहीं लड़ना चाहते चुनाव, मगर मैं वो आंकड़ा लेकर आया हूं, वो तथ्य लेकर आया हूं जिसके आधार पर आप भी कहिएगा कि गिरिराज सिंह जैसा फायर ब्रांड लीडर जो कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ता और बयान देता आया है, यहां तक कि बिहार में पोलराइजेशन का फैक्टर लेकर आने वाला व्यक्ति सडनली बिहार की इस एक छोटी सी सीट से चुनाव लड़ने से पीछे क्यों हट रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीति है। गिरिराज सिंह जात के भूमिहार हैं और कहा जाता है, इस बात को अन्यथा में ना लेंगे, भूमिहारों के पास बहुत बुद्धि होती है। इस बुद्धि को लगाते हुए गिरिराज सिंह ने बिहार की राजनीतिक गणित में वो मैथ खोज कर लाया है, वो सॉल्यूशन खोज कर लाया है जिसके तहत ये बिना चुनाव लड़े ही क्वालिफाई करके सदन में संसद में
पहुंच जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि क्या गणित है। इस बेगूसराय की गणित को समझने के लिए, गिरिराज सिंह के फॉर्मूले को समझने के लिए आपको थोड़ा अलग हटना पड़ेगा, मतलब बेगूसराय से हट कर आइए पटना में। पटना की दो लोकसभा सीटें हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। इन दोनों सीटों का समीकरण ऐसा है जिसकी वजह से गिरिराज सिंह बिना चुनाव लड़े ही सीधा सीधा संसद जा सकते हैं। कैसे? पाटलिपुत्रा से मीसा भारती चुनाव लड़ी थी पिछली बार, इसलिए इस बार भी तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र का टिकट काटते हुए साफ तौर पर कह दिया था कि इस सीट से मेरी बहन मीसा भारती ही लड़ेगी, पार्टी वहां से एक महिला कैंडिडेट ही लड़ाएगी। याद है आपको बात। अब हम बात करते हैं पटना साहिब सीट की। पटना साहिब पर रविशंकर प्रसाद को टिकट दे दिया गया है, भाजपा ने अनाउंस कर दिया। आज ही पता होगा आपको कि इस सीट से आरके सिन्हा भी चुनाव लड़ना चाहते थे, अपने बेटा को लड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से जबरदस्त लड़ाई हुई पटना एयरपोर्ट पर। और इस लड़ाई ने साबित कर दिया है कि पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को चुनाव लड़ना और यहां से जीतना आसान हो सकता है, इसीलिए इस सीट पर आरके सिंह का दावा है। वहीं बात कही जाए तो पिछली बार मीसा भारती चुनाव हारी थी, मगर इस बार जातिगत आंकड़े ऐसे बनाए जा रहे हैं, कहा जा रहा था कि राम कृपाल का टिकट भी काट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से जीतने के चांसेस बहुत कम बन रहे थे, क्योंकि जो जातिगत समीकरण है वो मीसा भारती के फेवर में इस बार होगा। इस वजह से यहां से हो सकता है कि मीसा भारती चुनाव जीत जाए। अब आप समझिएगा, अगर पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद चुनाव जीतते हैं या मीसा भारती पाटलिपुत्र चुनाव जीतती हैं, ये दोनों राज्यसभा के कैंडिडेट हैं, इन दोनों राज्यसभा में सांसद हैं। अगर इन दोनों को जीतने की संभावनाओं में एक राज्यसभा की सीट या दो राज्यसभा की सीट खाली होगी। इन दोनों सीटों पर अगर सरकार बनती है केंद्र में नरेंद्र मोदी की, तो पूरी तरह से चांसेस हैं कि बिहार से किसी ना किसी को भेजा जाएगा राज्यसभा सांसद बनाकर। ऐसे में गिरिराज सिंह रिस्क क्यों ले चुनाव लड़ने और हारने का, जब खुद ही उन्हीं के पार्टी के एक राज्यसभा सांसद को चुनाव लड़ना है। यही वो पेच है जिस पेच की बात लगातार मैं आपको इस वीडियो के दौरान बता रहा था। गिरिराज सिंह चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाएं। आप उनके बयानों के पैटर्न को भी देख लीजिएगा। जब उनके टिकट काटने की बात रही तो वो बहुत दिनों तक चुप रहे। ऐसा नहीं है कि टिकट रातों रात कटे हैं। गिरिराज सिंह की सीट लगभग 6 महीने पहले ही अदला बदली के तहत एलजेपी की वीना देवी को देने का बात हो चुका था, मगर इसके बावजूद 6 महीने से गिरिराज सिंह चुप थे। गिरिराज सिंह पिछली बार ही यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे बेगूसराय से, मगर इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों? इन दो सवालों का जवाब आपके पास नहीं होगा। इन दोनों सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। पिछली बार गिरिराज सिंह भोला सिंह की जगह पर चुनाव लड़ना चाहते थे, तो आपको पता है कि जब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, अब चाहते हैं बेगूसराय से, और पहले चाहते थे, तो ये डिफरेंस रातों रात कैसे आया? दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि पिछले 6 महीने से ऊपर के समय से ये बात सामने आ रही है कि गिरिराज सिंह को वहां से टिकट नहीं मिलेगा नवादा से, उनको बेगूसराय या कहीं और जाना पड़ सकता है। इसके बावजूद उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया था। टिकट कटने के बाद वो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक था, मुझे नवादा से सीट क्यों काटा गया, मुझे बस इतना जानना है। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह पार्टी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से नजदीकियां होने का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार हिंदुत्व का झंडा धोते हैं, राष्ट्रवाद का झंडा धोते हैं, तथाकथित राष्ट्रवाद और हिंदुवाद का झंडा धोते हैं, और इस वजह से इनको इसका ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए। यही ब्राउनी पॉइंट्स गिरिराज सिंह को मिल सकता है अगर रविशंकर प्रसाद या मीसा भारती में से एक चुनाव जीत जाए। हालांकि हम आपको बताते चले कि इन दोनों के चुनाव जीतने की संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि पिछली बार मीसा भारती चुनाव हारी थी और इसके बावजूद अगर चुनाव लड़ने जा रही हैं तो कुछ ना कुछ जरूर जातिगत फैक्टर उनके साथ होगा। वहीं रविशंकर प्रसाद की बात की जाए तो रविशंकर प्रसाद ने अब तक कभी भी चुनावी राजनीति नहीं की है, और अगर वो पटना साहिब से चुनावी राजनीति करने जा रहे हैं तो आप निश्चिंत मान के चलिए कि रविशंकर प्रसाद बहुत सोफिस्टिकेटेड राजनेता है और वो अपनी जीत सुनिश्चित करे किए बिना यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे दोनों परिस्थितियों में गिरिराज सिंह को ओवरनाइट फायदा मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आपको समझा दिया कि दो राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं और इन दोनों राज्यसभा सीटों पर बिहार से कोई ना कोई बीजेपी का नेता जाएगा ही जाएगा। ऐसे में गिरिराज सिंह से अच्छा चेहरा क्या हो सकता है? कम से कम गिरिराज सिंह पुनः नरेंद्र मोदी के दरबार में दस्तक देकर अपने लिए राज्यसभा की यह सीट सुनिश्चित करा सकते हैं। तो यह है वजह। हमने आपको बताया कि कन्हैया की वजह से नहीं, किसी और वजह से गिरिराज सिंह बेगूसराय से या कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं।
बने रहिए न्यूज बिहार पर, और मेरी कमेंट्री अगर अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो बताइए, क्योंकि सुझावों का हम लगातार आमंत्रण आपको देते रहते हैं। बने रहिए न्यूज बिहार पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।